मस्टैंग की हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, बंपर की फोग लाइट्स, स्टॉर्म टू जो कि हम अभी कर रहे हैं वो सेम टू सेम बॉडी लुक बनेगी इस दफ़ा, क्योंकि हमारे पास इसका सारा सामान ओरिजिनल है। मैं हूं कामरान रशीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस बी सी मोडिफायर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी मस्टैंग की हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, बम्पर की फोग लाइट्स, जो कि हम एक और मस्टैंग तैयार करने वाले हैं किया स्पेक्ट्रा पे, जिसको हम टू डोर में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। वो सेम टू सेम बॉडी लुक बनेगी इस दफ़ा, क्योंकि हमारे पास इसका सारा सामान ओरिजिनल आया है, जो कि ये गाड़ी के जो ओनर हैं वो खुद अमेरिका से बाय करके लेके आए हैं। और माशाल्लाह से ये जो प्रोजेक्ट होगा मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसको काम करने में भी मुझे बेहद मज़ा आ रहा है, समझने की इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस काम को करते हुए, क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि मैं बहुत अरसे से लगा था कि मुझे कोई ऐसा कस्टमर मिले जो कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवाए। तो इनको मैंने जैसा बोला है इन्होंने मुझे वही हर चीज़ को अरेंज करके दिया है जहाँ से मर्ज़ी हुई है, लेकिन वो जो जो मुझे चाहिए था मेरे कहने के मुताबिक वो हर चीज़ को बाय करके लेके आए हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी जिस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उनको अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो जो चीज़ें हमारे पास आई हैं। जो मॉडल है हमारा वो मस्टैंग 350 है, उसको हम बनाएंगे, 2017 मॉडल है ये, उसको हमने सेम टू सेम कॉपी करना है। तो पहले मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, फिर मैं आपको रिव्यू करता हूँ जो सामान मेरे पास आया। सारा स्क्रीन पे जो कि हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और पहले वाली जो मस्टैंग है जो हमने पहले किया स्पेक्ट्रा पे बनाई है उसकी वीडियो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि उसका पेंट का काम स्टार्ट है और हर चीज़ को हमने ओपन किया हुआ है, खोला हुआ है और अस्तर हो रहा है, और जैसे ही सारे पार्ट्स अस्तर हो जाएंगे तो मैंने उन सारी पार्ट्स की फिटिंग करनी है, फिर उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, सबसे पहले इसकी साइड मिरर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आपके ये साइड मिरर आए हैं जी मेरे पास मस्टैंग के, और ये नीचे कैमरा लगा हुआ है, और ये इसकी जी केबल है, ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप। और इस दफ़ा इंशाल्लाह जी आपको एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ये इसके साइड मिरर हैं जी, और इंशाल्लाह इसका सारा जो भी बजट है वो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा। इस पर हमने काम स्टार्ट कर लिया हुआ है जी, और ये मैं आपको दिखाता हूँ जी लाइट्स हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये जी बम्पर के साइड वाली लाइट्स हैं छोटी, जो कि बम्पर के साइड पे लगी होती हैं जी, ये आप देख सकते हैं, और इनके सेम ओरिजिनल फिटिंग करूंगा और हर चीज़ को सेम कॉपी करूंगा इंशाल्लाह। छत को भी इसकी हम जो भी है वो सेम शेप में लेके जाएंगे, बैक पे फेंडर वगैरह का डिज़ाइन, बोनट का, हर चीज़ सेम टू सेम इसको हमने कॉपी करना है। ये बैक बम्पर की लाइट्स हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी बैक बम्पर की लाइट्स हैं, और फिनिशिंग आप देखें इन चीज़ों की बहुत आला है। और इसके बाद है जी ये एक बैक ट्रंक की लाइट आ जाती है जी हमारे पास,
और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी फोग लैंप फ्रंट बम्पर के, और ये मुझे सबसे अच्छे लगे हैं जी, एलईडी वाले हैं और बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी और इनकी क्वालिटी आप देखें। और इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें लगेंगी सेम साइज़ों पे तो ऑटोमेटिकली जो गाड़ी की लुक है हमारी वो सेम आएगी, हर चीज़ परफेक्ट है इसकी, बस कुछ माइनर सी इसमें चेंजेस आएगी, बाकी ज़्यादा नहीं है। और ये दो स्ट्रिप हैं जी पैनल की, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये देखिए देख सकते हैं आप, ये पैनल के ऊपर लगेंगे डोर्स के अंदर, और ये लाइट है सारी ये जलेगा, ये इसका पैनल जलेगा, ये इसकी केबल है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी हेडलाइट्स, दिखाता हूँ इसकी, ये है जी हेडलाइट्स हमारी, ये इसमें एच डी इसकी ओरिजिनल लगी है, और ये इसकी हेडलाइट्स है देख सकते हैं आप, क्योंकि मेन जो चीज़ें होती हैं हमें लाइट्स वगैरह जो होती है वहाँ पे हम मैचिंग करते हैं हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास सारा ओरिजिनल पार्ट्स है और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बैक लाइट्स दिखाता हूँ जी, ये देखिए जी ये हैं बैक लाइट्स इसकी, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये सामान आपने सारा देख लिया है जिसमें बाकी लोगो वगैरह आए हैं जो इसके लगे होते हैं मस्टैंग के ओरिजिनल, तो वो मैंने उनको दे के वापस भेज दिए थे क्योंकि उनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो बिल्कुल लास्ट में लगेंगे। जो मेन सामान हमें चाहिए था जैसे कि फ्रंट की हेडलाइट्स हैं, बैक लाइट्स आ गई हैं, साइड मिरर आ गए हैं, फोग लाइट्स आ गई हैं, बम्पर की जो इंडिकेटर हैं वो आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब हम इसको सेम टू सेम बनाएंगे, बस थोड़ा सा मतलब कि 19-20 फ़र्क होगा, लेकिन ज़्यादा इसमें जिसने मतलब कि ओरिजिनल नई गाड़ी देखी होगी मस्टैंग वो इसको जज नहीं कर सकेगा, बाकी जिसने ओरिजिनल देखी होगी सिर्फ वही जज कर सकेगा। इसमें हमने सस्पेंशन, इंजन, अंदर इंटीरियर सीट्स वगैरह हर चीज़ बॉडी की चेंज कर, सिर्फ हमने एक चेसिस को बचाना है फ्रंट से, बाकी पूरी गाड़ी का अब गाड़ी की बॉडी को हम चेंज करने वाले हैं इस दफ़ा। तो इंशाल्लाह जी आपके लिए मैं इसका जो अभी तक काम हुआ है हमने इसको टू डोर कर लिया हुआ है, जैसे कि फ्रेम को बढ़ा के लंबा किया है, छत का काम करने वाले हैं, सनरूफ लगा रहे हैं इसमें, तो जितना काम हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक दो दिनों में शेयर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन के अंदर जो पहले वाली मस्टैंग हमारी है उसका मैं अस्तर डाल के सारी कम्प्लीट फिटिंग करके आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह इसी वीक में आपके लिए लेके आऊँगा जो डॉज का बॉडी वर्क जो मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है, उसके भी डेंटिंग का थोड़ा सा काम है, तो वो प्रोजेक्ट आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, वो उसकी मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि उसको मैं कम्प्लीट करके आपके लिए ले कर आऊँ उस प्रोजेक्ट को। और इसके अलावा एक मेरे पास फिट तैयार हो रही है 88 शरार तैयार हो रही है, फिर एक होंडा सिविक 90 मॉडल है उसको मैं कर रहा हूँ, और इसके अलावा मेरे पास एक दो गाड़ियाँ और हैं 76 कोला का एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है वो, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मेरे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं आप लोगों के पास, और इन दिनों मैंने काफ़ी मेरी वीडियोस कम अपलोड हो रही थी क्योंकि काम की कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट मेरे पास रेडी नहीं था, सारे प्रोजेक्ट एकदम ही मेरे तैयार हो के इंशाल्लाह आपके पास 1x1 आएगा। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बात होती है, अल्लाह हाफिज़।